తొమ్మిదేళ్ల ప్రధాని మోడీ పాలనలో అన్ని రంగాలు అభివృద్ధి చెందాయని భారత ప్రభుత్వ కేంద్ర మంత్రి పురుషోత్తం రూపాల అన్నారు. ఆయన శనివారం నారాయణఖేడ్ బీజేపీ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. ఆకాంక్ష జిల్లాల పథకం ద్వారా దేశంలోని వెనుకబడ్డ జిల్లాలు అభివృద్ధి చెందాయని తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి మంత్రులకు నార్త్ ఈస్ట్ రాష్ట్రాలకు పర్యటనలు చేయాలని ఆదేశించడం వల్ల మంత్రులు అనివార్యంగా పర్యటించడం వల్ల నార్త్ ఈస్ట్ రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందాయన్నారు. మోడీ దేశ ప్రజలకు స్వచ్ఛ భారత్ పిలుపు ఇవ్వడంతో దేశ ప్రజలు అమలు చేశారన్నారు. గ్రామ పంచాయతీలకు నేరుగా 2,50,000 కోట్ల రూపాయలను పంచాయతీలకు నిధులు ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు. 2014 సంవత్సరం వరకు కేవలం 6,000 గ్రామ పంచాయతీలకు భవనాలు ఉండగా తర్వాత 30,000 గ్రామ పంచాయతీలకు కొత్త భవనాలు నిర్మించామన్నారు. జన్ధన్ అకౌంట్ వల్ల కొత్తగా 49 కోట్ల అకౌంట్లు తెరవడం జరిగిందన్నారు. ఇందులో 37 కోట్ల అకౌంట్లను మహిళలచే తెరిపించి వీటిలో 2,00,000 కోట్ల రూపాయలను జమ చేశారని ఇది సంచలనం సృష్టించిందని అన్నారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే విజయపాల్ రెడ్డి, బీజేపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి సంగప్ప, అసెంబ్లీ కన్వీనర్ రజనీకాంత్, పట్టణ అధ్యక్షులు పత్రి రామకృష్ణ, పెదశంకరంపేట అధ్యక్షులు కోనం విఠల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. तेलंगाना में ही नहीं, पूरे देश में जब से मोदी जी ने कमान संभाली है तभी से एक ही मुद्दे पे हम लड़ते हैं, वो है डेवलपमेंट, वो है विकास. और हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही स्पष्ट मानना है कि हम सरकार के द्वारा, जब जनता के आशीर्वाद से हम सरकार बनाते हैं, तो सरकार के द्वारा किए गए कामों को लोगों के सामने रखो और लोगों को बताओ और लोगों का विश्वास संपादन करो. हम जीतने के लिए काम कर रहे हैं, इसके बजाय लोगों का विश्वास संपादन करने के लिए काम कर रहे हैं. कांग्रेस वालों को कहने की बात है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक
इस तेलंगाना क्षेत्र में जब पूर्ण आंध्र प्रदेश हुआ करता था तब वो अपनी जागीर के तौर पर इस इलाके पे शासन करते रहे। अब इनको न तो आंध्र में जगह मिल रही है न ही तेलंगाना में जगह मिल रही है, उनके बारे में उनको बताना चाहिए, उसके बारे में सोच रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दोबारा भारत में जनता के आशीर्वाद से शासन चला रही है और देश के कई प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी को लोगों के आशीर्वाद मिल रहे हैं। हमें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं ऐसा बोलना ये बचकानी बात है, मैं मानता हूँ। आज किसी भी दल को चाहिए, लोग ही इतने अवेयर हो गए हैं लड़ने के लिए, सामने से तैयार है। हमारी तो पार्टी यहाँ बहुत समय से यहाँ काम पे लगी हुई है। आज मैं आपको बताऊँ, मैं आज बिकनूर में एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ सीनियर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को मिलने का कार्यक्रम हुआ। वहाँ 10 ऐसे कार्यकर्ता मिले जो 45 में आज़ादी के पहले पैदा हुए थे और आज तक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं का पार्टी में होना और ये भी तेलंगाना में होना, मैं भारत सरकार का मंत्री होते हुए भी इन लोगों को मेरा सीनियर नेता बोलने का मुझे गौरव हो रहा था। ऐसे कार्यकर्ता जहां मौजूद हो वहां हमको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अरे जब हम 2 बचे थे ना तभी उसमें भी एक यहां का था, ये कांग्रेस वालों को याद रखना चाहिए। उसको इतना बताना कि भारत सरकार ने आपको 1 रुपया नहीं दिया है। कल भारत सरकार का एक मंत्री एकलव्य विद्यालय देखने के लिए गया था और उस एकलव्य विद्यालय को देखकर वहाँ के उनके राज्य सरकार के डेप्यूटेड अधिकारी ने मुझे बताया कि ये 32 करोड़ के खर्चे से नया विद्यालय इधर बना है जिसमें 250 विद्यार्थियों को रहने का पढ़ाने का प्रोजेक्ट पूर्ण हो गया है। जो मैंने मेरी आंखों से देखा है वो एक प्रोजेक्ट था, मगर इस राज्य सरकार के अधिकारी ने मुझे बताया कि ऐसे और भी 20 प्रोजेक्ट यहाँ तेलंगाना में हमारे मंजूर हो गए हैं और उनमें से 15 कंप्लीट हो गए हैं। ये तेलंगाना राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारी के द्वारा मुझे बताई गई माहिती थी और एक विद्यालय मैंने मेरी नज़र से देखा। ये इतने हाईवे चल रहे हैं जिस पर घूमते हुए तेलंगाना के सभी प्रजाजनों को ऐसा लगता है कि हम इतनी मिनट में वहाँ पहुँच जा रहे हैं, वो राज्य सरकार के पैसे से बन रहे हैं। इतना तो वो लोगों को बताए कि ये भारत सरकार के खर्चे से बन रहा है, नेशनल हाईवे का जो स्ट्रक्चर तेलंगाना में बहुत अच्छा बना है, वो खुशी की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है। मगर वो ऐसे कह देना कि वहाँ नहीं, यहाँ हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने की बात कर रहे हैं, उनको देखने का, तेलंगाना के किसानों को, प्रत्येक किसानों के अकाउंट में भारत सरकार से पैसे आ रहे हैं, तेलंगाना के प्रत्येक सरपंच के अकाउंट में, प्रत्येक सरपंच के अकाउंट में कितने पैसे आए हैं उनका अकाउंट राज्य सरकार के पास भी है। उनको ये बताना चाहिए कि भारत सरकार की ओर से हमारे प्रदेश के सरपंचों को अपने गांव में बेसिक सुविधा खड़ी करने के लिए कितने रुपये आए हैं। मैं एक सरपंच का नाम दूंगा, उस सरपंच ने मेरी सभा में यहाँ खड़े होकर बोला कि मेरे गांव में 1 करोड़ से ज़्यादा रकम भारत सरकार की मेरे गांव के विकास के लिए मुझे मिली है और उस गांव में मैं होके भी आया। वो बंगाली वसाहत के पास वाला वो गांव था, उस गांव में मैं जाके अलग अलग हो न जाए अपने आप। और अभी तो शुरुआत है, तभी से वो बोल रहे हैं वो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं जा रहा है, ऐसी बातें अभी से ही वो कर रहे हैं। और वही इनका इकट्ठा होना वही भारतीय जनता पार्टी का प्रमाण है, हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का प्रमाण है कि वो सब, ये पहले तो सब प्रधानमंत्री के दावेदार थे, अब सबों ने मिलके इतना तो तय कर लिया कि हमारे बस की बात नहीं है, सो हम मिलकर इसका सामना करें, वो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई शाख का ही प्रमाण है। हाय, दिस इज स्वाति दीक्षित, प्लीज सब्सक्राइब टू SKS Fly TV।